हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इंडियन पॉलिटी से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा उसके लिए, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट है। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट्स अमेंडमेंट? कौन से पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो होता है उससे डील करता है? सो ऑप्शन ए पार्ट 20, ऑप्शन बी पार्ट 8, ऑप्शन सी पार्ट 13, ऑप्शन डी पार्ट 19। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पार्ट 20, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी? सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो अपर लिमिट इलेक्शन में जो एक्सपेंस किया जाता है सो कितना है? सो ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 70 लाख्स, ऑप्शन डी 1 करोड़। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 70 लाख्स। क्वेश्चन नंबर 3, सर एडविन मोंटेगो द वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सो ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ ICS ऑफिसर एंड एम्पावर द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशन? सो ऑप्शन ए 28 अमेंडमेंट एक्ट 1972, ऑप्शन बी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ऑप्शन सी 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972, ऑप्शन डी 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ऑप्शन ए 15 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, टोटल दैट इज 25 मेंबर्स। ऑप्शन बी 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 15 फ्रॉम राज्यसभा, दैट इज टोटल 30 मेंबर्स। ऑप्शन सी 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, दैट इज 30 मेंबर्स। ऑप्शन डी 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, दैट इज टोटल 22 मेंबर्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, ध्यान रखना टोटल 25 मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल वॉज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिविंग स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम? सो ऑप्शन ए 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? सबसे बड़ा लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी बारमेर, ऑप्शन डी कच्छ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लद्दाख, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एज पर द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 112? ऑप्शन ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन बी डिमांड फॉर ग्रांट्स, ऑप्शन सी अप्रोप्रिएशन बिल, ऑप्शन डी फिनेंस बिल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल एरियाज हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ए शेड्यूल एरिया? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ हिज ऑफिस प्रेसिडेंट हैज बीन मेड? Answerable to option A only Supreme Court, only Chief Justice of India, either Supreme Court or High Court, option D none of the above. So right answer is option D none of the above. So आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।